ये आप भी करना चाहते हैं मुझसे सीधी बात, तो हमें कॉल कर सकते हैं बताए गए हुए टोल फ्री नंबर पर। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। जी हाँ, सीधी बात कर सकते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है, क्या रुद्राक्ष से भी रोग दूर होते हैं और आपके काम बन सकते हैं? जी हाँ, बन सकते हैं, मगर उसके ऊपर हम चर्चा जरूर करेंगे। बात कर लेते हैं राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज आपका दिन। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है? आज आपकी काम करने की क्षमता बढ़ सकती है, मेहनत करते रहें तो बेहतर होगा। आज जो है शिव अष्टक का पाठ करें, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है? मेहनत के लिए सेहत के साथ समझौता ना करें, खान पान पर ध्यान दें। आज जो है काली मिर्च के दाने आपने 21 की संख्या में लीजिएगा, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपका कहता है कि आज अपने दिल की बात कहने में बिल्कुल देर ना करें, परिवारजनों का आपको सहयोग मिलेगा। और आज आपको क्या करना है, घर में सभी लोग सब जो है भुने हुए चने अगर खाते हैं प्रसाद स्वरूप, तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भुने चने आपके परिवार को और भी ज्यादा सुखद बना सकता है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है, आज खुद को किसी भी स्थिति में ढालने के लिए तैयार रखें, समय आपके पक्ष का बना हुआ है। और आज आपको क्या करना है, चींटियों को आटा और चीनी डाल दीजिए, जो समय को और भी ज्यादा बेहतर बना देगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है, मुश्किलों से बचने से बेहतर है कि उनका सामना करें, व्यापार में फायदा होगा। और आज आपको क्या करना है, व्यापार में फायदा रहे तो अपाहिज व्यक्ति को कुछ दक्षिणा स्वरूप कुछ दान दे दीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, और जिससे जो है आपके ऊपर शनिदेव की कृपा भी बनी रहेगी। कोई बहुत जरूरी निर्णय, भाई कन्या राशि वालों आपके लिए बात बताना चाहेंगे, कोई बहुत जरूरी निर्णय लेना पड़ सकता है जो आपके परिवार से जुड़ा होगा। आज आपको बहुत जो है इस निर्णय को लेने में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट होगी, मगर लीजिएगा जरूर। उससे पहले आपको क्या करना है, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी है, अपने परिवार में सभी लोग अच्छे से रहें इसकी कामना करते हुए निर्णय लीजिएगा। जय महादेव। भाई हम चलिए, हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहन जी जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं। हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का। जी बताइए। 15 जनवरी 1991। और समय बताइए। 1:40 बजे दोपहर में। जी क्या पूछना चाहते हैं? हेलो। हाँ, मुझे अपनी जॉब के लिए पूछना है, फ्यूचर कैसा रहेगा, गवर्नमेंट जॉब रहेगी या नहीं रहेगी? यदि गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने बात की है तो यहाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पर 80% चांसेस है, मगर जो है आपके लिए सबसे ज्यादा प्रबल चांसेस जो है आपके कुंडली में यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, प्राइवेट जॉब तो है ही, मगर गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि आप जो है कोशिश ना करें जरूर, क्योंकि सूर्य आपकी दशम भाव में बैठे हुए हैं। और साथ ही अगर हम सूर्य की डिग्री देखते हैं कि सूर्य की डिग्री कितनी है, वो थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं 0 डिग्री होके बैठा है, तो सूर्य की डिग्री को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। आपने सूर्यदेव की पूजा आराधना करनी है, अपने पिता का आशीर्वाद लेना है जो आपके लिए बेहतर हो, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करा करें। और दशाओं के अनुसार अभी मंगल की मात्रा से चलिए, 2018 तक रहेगी, तो ऐसे में जो है हनुमान जी की पूजा करना ना भूलें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। जय महादेव। एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, संजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। संजय जी स्वागत। जय माता दी मैम। जय माता दी। 11 जून 1967। और समय बताइए। शाम 4:20 शाम को। जी क्या पूछना चाहते हैं? मैम मैंने ऐसे तो आपसे बात की थी पहले, और आपने बताया था मुझे जरकन पहनने के लिए और शिवलिंग, तो मुझे उससे काफी आराम मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे, काफी फर्क पड़ गया मैम। धन्यवाद, काफी अच्छा। और अभी थोड़ा सा काम मंदा है, आपने शुक्रवार को बोला था कि दूध और दही, नहीं और चीनी जी, चढ़ा के तो थोड़ा सा काम, और मेरा अभी भी जैसे मेरा मैम फोन पे काम है तो रुक जाता है मेरा बात करने के बाद, पार्टियां रुक जाती हैं। जी आपने बताया है 11/6/1967 शाम 4:20। हाँ जी जी बिल्कुल। चलिए मैंने आपको जो बताया था आपके राशियों के अनुसार जो है, और साथ ही आपको शुक्र का उपाय भी बताया था, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो है हमें बताया कि आपको जो है फायदा हो रहा है। अभी यहाँ पर हम ये देख रहे हैं आपकी शुक्र की जो महादशा है वो 2027 तक है, तो ऐसे में जो है ये उपाय अभी जारी रखिएगा। एक चीज और दिखाई दे रही है, शुक्र का एक उपाय आपको करना है,
वो क्या है, जो अंधे व्यक्ति होते हैं या काने व्यक्ति होते हैं उनको जो है अगर आप जो है शुक्रवार के दिन जो है कि फल हो गया, संतरा हो गया है ना, इस तरीके खट्टी चीजें हो गई वो अगर आप जो है देते हैं तो अच्छा रहता है। और साथ ही अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अपने राशि के स्वामी, थोड़ा सा कर्क राशि के स्वामी का चंद्रमा को थोड़ा सा मजबूत बनाना है, थोड़ा मानसिक रूप से जो है हमारी जो सोच है, जो हमारी योजना है उसे सफलता मिले, उसके लिए आपने शंकर भगवान पे जब दूध चढ़ाया करें और साथ ही चंदन का जो है आपको उनको जो है तिलक लगाना है, मस्तक पे भी अपना खुद भी लगाना है, शंकर भगवान को भी लगाना है। जब भी जाया करें तो आप जो है मस्तक के बीचों बीच जो है चंदन का तिलक लगा के जाया करें, आपके सारे काम बनेंगे, आगे भी जो है आने वाला समय आपके लिए बेहतर रहेगा। जय महादेव। सुनीता हमारे से जुड़ी हुई है, स्वागत करते हैं। जय महादेव जी। हाँ जी मैडम जी, नमस्ते। नमस्कार। जय महादेव जी, बताइए। मुझे अपने बेटे के बारे में जाना। जन्म तिथि बताइए। 27 नवंबर 1999। और समय बताइए। समय है मतलब 26 की रात यानी 27 की मॉर्निंग होगी ना, 12:27 AM। जी क्या पूछना चाहती है मैडम? एक तो अभी इस टाइम 12th में है, उसने साइंस ली हुई है। अच्छा, उसकी साइंस मतलब कम्प्लीट हो जाएगी आगे, मतलब 12th करने के बाद वो क्या ले, मतलब साइंस में जाए या इंजीनियरिंग में जाए? अच्छा, दूसरा उसको पढ़ाई में बिल्कुल इस टाइम मन नहीं लग रहा। तीसरा वो क्लीन भी काफी है। और फिर उसका भविष्य के बारे में बताइए मैडम, और वो मतलब किस तरह से मतलब कॉन्सेंट्रेट करे, कौन सा ग्रह उसे पीछे खींच रहा? सबसे पहले जिस ग्रहों का जो है इनको बचाव करना है वो है शुक्र और शनि। काले रंग के वस्त्र नहीं पहने शुक्रवार को, और बाकी भी दिन अगर हो सके तो परफ्यूम जैसे सुगंधित चीजों से ज्यादा दूर रखा ग्रह। इनके हाथों से जो है शुक्रवार के दिन कपूर हो गया और नींबू हो गया, ये सारी चीजें जो अगर दान कराते हैं इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपने बात की है कि ये किस लाइन में जाए, तो इसके लिए यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि इंजीनियरिंग की लाइन में भेजते हैं तो अच्छा रहेगा, मेडिकल की लाइन में इनको जाना इनके लिए बेहतर नहीं है। इनके राशि के स्वामी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बुध की जो डिग्री है, बुध की डिग्री 21 डिग्री होके बैठी है, मगर जो है सपोर्ट नहीं करे। इनको बोलिए गणेश जी की पूजा आराधना करा करें और दोस्तों से थोड़ी दूरी बना के रखें, ज्यादातर लड़कियों से भी फ्रेंडशिप ना करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इसकी पढ़ाई लिखाई में इनका मन भटका सकती है। ये कर लें, हमारी शुभकामना आपके साथ है। जय महादेव। एक और कॉलर हमारे से जुड़ी हुई है, मूर्ति श्रुति जी हमारे से जुड़ी हुई है, स्वागत करते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार। जय महादेव। हम जानना चाहते हैं, मैं श्रुति सिंह पटना बिहार से बात कर रही हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 अक्टूबर 1991। 16 अक्टूबर 1991। और समय बताइए। समय 4 या 5 के बीच में है। सुबह का या शाम का? शाम में जी। सवाल पूछिए। हम जानना चाहते हैं मेरा किस क्षेत्र में जॉब होगा और कब तक होगा? चलिए, किस फील्ड में आपका जॉब होगा? आप जैसे लोगों के लिए अगर हम बताना चाहेंगे कि आप जो है अगर टीचर वगैरह की लाइन अगर चुनती हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कंप्यूटर से संबंधित कोई भी अगर आप कोर्स करके उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ जो है आपकी कुंडली में जो है आपके राशि के स्वामी यानी आप मकर राशि के हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी अपने शनि को थोड़ा सा प्रबल बनाइए। अभी राहु की मदद से चल रही है, कुछ जो है समझ नहीं पा रहे क्या करना है क्या नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर जो है आपके लिए एक उपाय बताते हैं कि आपने जो है मूली लीजिएगा, 4 मूली लीजिएगा, उसके बाद जो है उस मूली में आपने मौली लपेटना है, उसके बाद अपने ऊपर से उसार कर आपने जाके किसी भी कुएं में, अगर कुएं मिल जाता है उसमें, वरना बहते हुए जल में छोड़ के आइए। इससे जो है केतु का एक तो जो आपको राहु का उपाय बताया, और साथ ही यहाँ पर देखते हैं केतु बैठे हुए हैं, बाकी जो है सारे शुभ ग्रह एक साथ हैं, तो आपके लिए यहाँ बताना चाहेंगे एक तो आंशिक कालसर्प दोष है, इसकी पूजा आराधना करवा लीजिए, अन्यथा जो है यहाँ पर आपको जीवन में असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। जय महादेव। बाकी राशियों पर चर्चा करेंगे मगर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। भाई तुला राशि वालों, आपके लिए आज का दिन क्या कहता है? कहता है ये है कि अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी आपकी बात समझें तो आपको बोलने की कला व विशेष पर ध्यान देना होगा। भाई बोलने की कला पर जरूर ध्यान देना है, और आज आपको क्या करना है, शहद से अगर भगवान भोलेनाथ पे अगर थोड़ा सा शहद चढ़ाते हैं और साथ ही फिर गंगा जल जरूर चढ़ाइए। कुछ लोग होते हैं शहद चढ़ा देते हैं, दूध दही सब चढ़ा देते हैं मगर बाद में जल नहीं चढ़ाते हैं, अगर ये आपके ऊपर चढ़ाए तो कैसा लगेगा, इसलिए चढ़ाने के बाद गंगा जल जरूर चढ़ाइएगा, ये चढ़ाइए आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है? कहता है आज लोगों की तारीफें मिल सकती है, धन के लालच में ना पड़े क्योंकि कोई ना कोई आपको लालच देगा, तो इससे जो है आपके लिए अच्छा रहेगा कि आज के दिन आपको क्या करना है, आपने जो है काला तिल लीजिएगा और उसके बाद अपने ऊपर से उसारिए, उसके बाद दक्षिण दिशा में फेंक के जाइए, आपके सारे कार्य बनेंगे। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है आज नए लोगों से मुलाकात होगी जिनसे आपको व्यापार में काफी मदद मिलेगी। आज आपको क्या करना है, आज जो है किसी भी गरीब
उनको जो है अगर छाता या चप्पल ऐसी चीजें अगर दान करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है कि आज आप कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं, मनोरंजन में समय बीतेगा। और आज आपको क्या करना है, आज के छोटे बच्चों में अगर पुस्तकें या फिर कॉपी पेंसिल वगैरह कुछ भी विद्या की जो चीजें हैं वो अगर वितरित करते हैं तो अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है आज किसी लंबे सफर पे जाने के लिए दिन अच्छा नहीं है, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा बन रहा है। आपके लिए दिन कहता है कि आज जो है भगवान भोलेनाथ पर कच्चे दूध से अभिषेक करिएगा और दूध आज ना पीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, भाग्य आपके अनुकूल है, आज आप पक्षियों को चावल दूध में भिगो कर डालेंगे तो बेहतर होगा। ये था 12 राशि, उनके उपाय। हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक कॉलर है उनसे बात करते हैं। नीता जी स्वागत है आपका। हाँ जी, जय महादेव। जय महादेव। हाँ जी मैडम जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। बेटे की जन्म तिथि, जन्म समय? बेटे की जन्म तिथि है 23 जनवरी जी 99। और समय बताएं? समय है 6:45 सुबह का जी। क्या पूछना चाहती हैं बेटे के लिए? हाँ जी, इसके बारे में पूछना चाहती हूँ। अभी ये 12th कर रहा है, इसके बाद इसका कैसा करियर होगा? ये बाहर जाना चाहता है, ये सेटल भी वहीं होना चाहता है, पढ़ाई भी वहीं करूँगा आगे की, तो क्या ये हो पाएगा और किस लाइन में जाएगा ये? जी बिल्कुल, यहाँ पर एक चीज जैसे कि आपने बात की है कि बेटे के लिए कि वो बाहर जाना चाहता है, बाहर जाने के लिए तो मैं यही कहूंगी कि इसको भेज दीजिए, अच्छा रहेगा। और साथ ही इसको जो है काले रंग के वस्त्र और यानी कि उड़द की दाल शनिवार के दिन ना इसको खाने दें और ना ही पहनने दें। यहाँ पर अभी राशियों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बुध की महादशा चली है, 2017 तक रहेगी। गणेश जी की पूजा आराधना के साथ में इसके जो है पन्ना रतन धारण करवा दीजिए, पढ़ाई के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए और ज्यादा उत्तम रहेगी। गणेश जी की पूजा जब भी करा करें तो इसके हाथ से गणेश जी को धूप चढ़ाया करें, और बाहर अगर भेजना चाहते हैं तो जरूर भेजिए, मगर यहाँ पे थोड़ा 2-3 महीने रुक जाइए, फिर उसके बाद जो है भेजेंगे तो इसके लिए अच्छे योग भी बन जाते हैं, इनके लिए बेहतर रहेगा। जय महादेव। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं। रेनू जी स्वागत है आपका। जय महादेव मैडम। जय महादेव। मैम मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 15 दिसंबर 1996। 15 दिसंबर? हाँ जी 1996। और समय बताइए? सुबह 8:30 जी। सवाल पूछिए। मैम ये ना मतलब इसका मन अशांत रहता है, बेचैनी सी रहती है, इसको घबराहट बीमार सा रहता है, और इसको ना पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगता, तो मैम इसे क्या परेशानी है और इसका भविष्य कैसा रहेगा, इसका करियर कैसा रहेगा, और स्वास्थ्य जो परेशानी है इसकी वो कब तक ठीक होगी? सबसे पहले यहाँ बता दें कि भाई की जो महादशा चल रही है वो राहु की चल रही है, और राहु कहाँ बैठे, एक तो दशम भाव पे बैठे हुए, दृष्टि भी यहाँ पर जो है पड़ी हुई है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, हमें भाग्य स्थान पे हमारे जो है हमारे ऊपर भी थोड़ा मस्तिष्क पे भी प्रभाव पड़ा हुआ है। ऐसे में क्या है, कभी कभी इसको अंदर से घबराहट भी होती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई हमारे ऊपर कुछ कर रहा है या हमें कुछ ऐसी चीजें ऐसी महसूस होता है, क्योंकि जब राहु की महादशा चल रही होती है ऐसे में ऐसा इंसान अगर पानी के ऊपर से भी निकल जाएगा तो भी इसके ऊपर असर हो जाता है। तो यहाँ पर राहु के उपाय के लिए इनके लिए बताना चाहेंगे, एक तो जो है गणेश जी की पूजा तो जरूर करें, साथ ही इनको जो है ये बोलिए कि जो बाजरा है सिराने अपने रखना है मंगलवार की रात, और बुधवार जो है पक्षियों को डाल देना है। और एक चीज और है जो इनको करना क्या है कि खुले हुए लोटे में जल में यानी कि स्टील का लोटा लीजिएगा, उसमें पानी रख दीजिएगा, उसमें कुछ चावल के दाने जो है डाल देना है, सुबह उठा के पानी में डाल देना है, इससे जो है इसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और गोमेद रतन धारण करवा देते हैं तो जल्दी स्वास्थ्य में जो है देखेंगे कि अच्छा सुधार होता हुआ आपको दिखाई देगा। जय महादेव। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार। जय महादेव। जय महादेव। मेरी तारीख है 23/7/1953 23 जुलाई 1955 जी 1955। और समय बताइए? 1:45 दोपहर के जी। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मेरी काम धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा, वो बहुत परेशानी है। काम धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा है और साथ ही परेशानी के लिए यहाँ पर मैं बता दूँ, जैसे कि अगर हम दशाओं की अगर हम बात करते हैं कि दशा ऐसी कौन सी है जिसकी वजह से आपके कामकाज पे यहाँ पर असर दिखाई दे रहा है, तो हम दशाओं के अनुसार यहाँ पर देख रहे हैं। इस समय जो है दशा जो चल रही है आपकी शनि की चल रही है, आपके लिए यहाँ बताना चाहेंगे शनिवार के दिन जहाँ पे अगर कामकाज आपका खुद का है तो वहां पर आपने जो है रात में एक खुले हुए लोटे में आपने जल रखना है और उड़द की दाल रखनी है साबुत,
और साथ ही आपने कुछ कोयले रखने हैं, ये सारी चीजें रख दीजिएगा। दूसरे दिन जब आएंगे तो उसके बाद पूरा झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद जो आपने उड़द और जो कोयला है इसको उठाकर आपने कहां किसी पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिए और जल जो है पेड़ पे डाल दीजिएगा। आपके लिए चीज है कि आप शनिवार के दिन जो है आप चौमुखी दीपक आटे का जलाना है और शनि का आपने छाया दान करना है। शनिदेव की पूजा आराधना नहीं बोलूंगी, छाया दान करें और हनुमान जी की पूजा आराधना करें, आपका कामकाज फिर से चलेगा। बस 2 महीने रुक जाइए। भाई आज का उपाय क्या कहता है? उपाय ये कहता है कि रुद्रास जो है आपको अंदर से बहुत ज्यादा शक्ति भी देती है। तो ऐसे में यहाँ पर जैसे कि मेरे गले में यहाँ पर पड़ा है कि ये हमारा जो है रुद्रास जो है एक मुखी रुद्रास है, उसी तरीके से गौरी शंकर रुद्रास की पूजा करने से जिनकी विवाह आदि में कहीं ना कहीं कोई बाधा आ रही है तो गौरी शंकर रुद्रास की पूजा करने से उनके विवाह की जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती है, या उसको धारण कर लीजिए। मगर करना क्या है, सोमवार के दिन करिए। साथ ही अष्टमुखी और गणेश रुद्रास, जो लोग अपने विद्या प्राप्ति के लिए जो चाहते हैं कि बुद्धि आए, विद्या आए, ज्ञान आए, तो उसके लिए गणेश रुद्रास और अष्टमुखी जो रुद्रास है उसको पहनते हैं तो उनके लिए अच्छा रहता है। ये भी जो है आपको सोमवार के दिन पहनना है। 12 मुखी रुद्रास की बात जो है, जो हम बात करते हैं तो सभी प्रकार के आपको सुख प्रदान करेंगे, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, धन से संबंधित हो, चाहे आपके परिवार से संबंधित हो, हर चीज से आपको सुख प्रदान कर सकते हैं। ये काले रंग के धागे में आपको पिरो कर मंत्रों के साथ में इसको पहनना होगा। पंचमुखी रुद्रास को यदि घिस कर आप पानी में डाल के भिगो देते हैं या रात में पानी में डाल दीजिए, सुबह उसका पानी पीते हैं तो हृदय रोग से आपको निजात मिलती है, लाभ मिलता है। मंत्र क्या है, ओम ह्रीम श्रीम गंग नमा, ओम ह्रीम श्रीम गंग नमा। और जो हमारा दूसरा है उसके लिए बताना चाहेंगे, जो हमारा जो 12 मुखी रुद्रास है वो सूर्य का प्रतीक माना जाता है, तो उसमें जो है मंत्रों का क्या करना है, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करने के बाद इस रुद्रास को यदि गले में धारण करते हैं तो यकीन मानिए आपको वो सारे सुख प्राप्त होंगे जिस सुख के पीछे आप ज्यादा संघर्ष करते हैं। ये था आज का उपाय। भाई आज का लकी टिप्स कहता है कि घर में नल से पानी बेकार में नहीं बहते रहना चाहिए, इससे क्या है आपके घर में आर्थिक समस्या बन जाती है। कल एक नए विषय के साथ में, नए उपाय के साथ में मैं आपकी अस्ट्रोमा के तारा कृष्ण शर्मा चाहती हूँ इजाजत। मुझे दीजिए इजाजत। जय जय महादेव।